नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक बार फिर से करीमगंज जिले में लाभ जिहाद का मामला सामने उभर कर आया है। सूत्र के अनुसार एक कॉलेज छात्रा को अपना परिचय को गोपन रख एक भिन्न धर्मी युवक ने उसे अपहरण करने का प्रयास किया। सूत्र के अनुसार करीमगंज जिले के कानीशाही क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना चौधरी नाम के युवक ने कॉलेज की एक छात्रा को लगातार 6 महीने से तंग करते आ रहा था और आखिरकार उसके साथ दोस्ती की वायदा करते हुए दोस्ताना माहौल खड़ा किया और आखिरकार उसे अपहरण करने का प्रयास किया। इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के कुछ युवकों द्वारा मामले की आंखों देखी होने के चलते दोनों का पीछा किया गया और आखिर में मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने जमकर पिटाई किया, तत्पश्चात पुलिस के हवाले किया गया। सूत्र के अनुसार ऐसे वारदात करीमगंज जिले के कई क्षेत्र में हो रहे हैं। कुछ भिन्न धर्मी युवक हिंदू समुदाय के युवतियों को प्रेम जाल में फंसा कर लव जिहाद के आधार पर उनसे शादी कर रहे हैं और तो कई क्षेत्र में उन्हें प्रचार भी कर रहे हैं। पकड़े गए युवक नारी पचार क्षेत्र से यानी किडनैपिंग कांड से जुड़ा रहने का लोग शक जता रहे हैं। सूत्र के अनुसार इस युवक का 2 पत्नी और बच्चे भी हैं और तो नए तौर पर डेरा डालकर ये युवक युवतियों को प्रेम के प्रलोभन में फंसा कर बाहरी राज्यों में भेज दिया करता था। कुछ ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप को लेकर लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और आवासीय क्षेत्र के लोगों के प्रयास से एक युवती का जीवन बचने से बच गया। তুই প্রথমে হিন্দু বলে পরিচয় দিসলে নি অনকো তুই দিস কিনা হিন্দু বলে দিসলে নি আমরা তোরে মারছি নি প্রথমে না তোর পরে কুদামা লাগে তুই বুঝতে নেই আমার নাম মুন্না চৌধুরী হ্যাঁ মুন্না চৌধুরী মুন্না হিন্দু কইছ তাইলে হ্যাঁ তাইলে কি তা হিন্দু মুসলিম কিটা কইছ তাই আর তার বাসা কই যাবে।